दृश्यम को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में क्रेज़ है। बहुत वक्त से हम देख रहे हैं, फिल्म के बारे में बात की जा रही है, बहुत सारे इक्वेशंस भी हैं यहाँ पर। यहाँ दो दोस्त हैं जो बचपन के दोस्त हैं। श्रिया है यहाँ पर, जिन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी पत्नी का किरदार निभाया है। एक एक करके जानेंगे। तबू बहुत वैसे तो आप दोनों की दोस्ती में देख रही हूँ, यू आर लाइक जो चड्डी बडीज होते हैं उस तरह की बातें हैं, पर फिल्म में बहुत अच्छा इक्वेशन नहीं नजर आता। यू आर वेरी टफ, वेरी टफ। व्हाई? इनफैक्ट आई डिडंट नो हाउ टू इन द प्रमोशंस टू बी टफ और टू बी ओके, बिकॉज इट्स टोटली कॉन्ट्रास्टिंग द व्हाट वी आर इक्वेशन डूइंग ऑन। या सो इट वाज नॉट वेरी नाइस, बट इट वाज ग्रेट एज अ रोल। या राइट। अजय, पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार आपने तो बहुत बार निभाया है, लेकिन यहाँ पे आपने पास ऑन कर दिया है, तो मिस कर रहे हैं उस चीज को या उन्हें देख अरे करके बिल्कुल, ये खुशी बहुत हो रही मज़ा आ है? रहा है कहते हैं ना, दूसरी बिकॉज तरफ ये बहुत देखते अच्छा हैं। कर रही हैं और मुझे कुछ और करने में मज़ा आ रहा है। मैंने उनको बोला था जरा अपने रोल्स मेरे पास भेज दिया करो यार। हाँ, अभी तो आप कह रही थी आप बोला मतलब हीरो के कम रोल कर। परिवार की जब बात आती है श्रेया, तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है परिवार को किस तरीके से रखना चाहिए? इस फिल्म के जरिए आपने शायद थोड़ा बहुत सीख पाई है आप। हाँ, ये फिल्म परिवार के ऊपर है कि कैसे हम एक दूसरे के लिए हमेशा होते हैं, और अगर कुछ मुश्किल आती है तो कुछ भी हो जाए, हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। अजय, मैं अभी पेपर में पढ़ रही थी, कई जगह देखा कि अजय हैज़ बिकम अ फैमिली मैन आफ्टर दिस फिल्म। ऐसा क्यों? मतलब फैमिली मैन तो आप हमेशा रहे हो। अरे यार करेक्ट, दैट्स ट्रू, ही हैज़ ऑलवेज बीन अ फैमिली मैन। मतलब जब से मैं जानती हूँ। आई थिंक ये मीडिया अपने आप ही कर देती है, जब जैसी फिल्म आ रही हो वैसे उसी हिसाब से, उसी हिसाब से अगर कुछ कहानी हो तो उसे कनेक्ट कर देते हैं। तो से मैं क्या, सभी सभी एवरीबडी लव्स देयर फैमिली एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी प्रोटेक्ट देयर फैमिली। तो इससे मैं अकेला नहीं हूँ, आई थिंक पूरा देश ही ऐसा है, पूरी दुनिया ऐसी है। राइट। कितने हद तक हम जा सकते हैं अपने परिवार के लिए? किसी भी हद तक जा सकते हैं, और आई थिंक जैसे अजय और श्रेया ने कहा कि आई थिंक 99.9% पीपल आर लाइक दैट, जो अपने परिवार के लिए कुछ भी करते हैं। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन यू हैव, बट आई थिंक अजय कैन फील इट एज अ पेरेंट। आई एम नॉट अ पेरेंट येट, सो आई थिंक फॉर पेरेंट्स देयर चिल्ड्रन एंड देयर वेल बींग, मतलब माँ बाप के लिए उनके बच्चे पहले आते हैं एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है फैमिली की जब आ जाती है, जब आप फैमिली बोलते हैं तो वो डेफिनेटली माँ बाप और उनके बच्चों के बारे में होता है। मेरे लिए फैमिली का मतलब वही होता है। तब वो इतने सालों के बाद आप और अजय, 14 साल, और एक वक्त था जब रुक 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 वॉज लाइक यू नो हर घर, मतलब हर एक के जुबान पर होता था। आज एक अलग ही, मतलब आप लोग दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, उस वक्त साथ थे, तो ये जो सफ़र है वो कैसा बीता? ऑब्वियसली आप लोग स्क्रीन पर नहीं आए हो, लेकिन फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हैं, आपस में तो मिलते रहे। मिले नहीं हैं इतने साल। इतने साल? हाँ, एक्चुअली हम सब आई थिंक अपनी अपनी दुनियाओं में, अपनी अपनी जर्नी में और ग्रोथ में लगे हुए थे। फिर इनकी शादी भी हो गई, इनके बच्चे हो गए, तो आई थिंक वो बहुत बड़ा बदलाव लाता है इंसान की ज़िंदगी में, और मैंने वही एक बहुत बड़ा चेंज देखा। मैं जब अजय की शादी हुई थी और इसके बच्चे, उसकी बेटी हुई थी, मुझे लगता है ये बाप बन गए, ये बाप बन गया। आई स्टिल कुड नॉट यू नो कम टू टर्म्स विद दैट। और फिर मैंने निशा को देखा था फना की शूटिंग में, आई थी बहुत छोटी थी, और मैं देख के उसको, मुझे एकदम आंखों में आंसू आ गए थे कि माई गॉड, दिस माई फ्रेंड्स डॉटर। और मेरी मम्मी थी मेरे साथ और वो कहती थी कि बेटे ये विशाल की कॉपी है, ये जैसे चलती है, ये जैसे बात करती। तो माई मदर वॉज लाइक माई गॉड, ये तो उसकी कार्बन कॉपी है। सो दैट्स द ह्यूजेस्ट चेंज आई नो दैट हैज हैपेंड इन हिज लाइफ। सो वी बीन बिजी, मेरे में वो चेंज नहीं आया, ना मेरी शादी हुई है, ना मेरी शादी हुई है, ना बच्चे हुए। तो और जो भी चेंज है वो थोड़ा मैच्योरिटी का चेंज जो होता है, बट उसके अलावा अभी इतना रोती नहीं हूँ। पहले हर चीज के लिए लोगों के सामने रो के जाते हैं, ऐसे किया। दो भाषाओं में ऑलरेडी बन चुकी है फिल्म, सस्पेंस फिल्म है। कई बार हम हिंदी फिल्म ही सस्पेंस एक बार ओपन हो जाती है तो लोग सोचते हैं जाने के लिए। हाँ, सस्पेंस नहीं है कि आपको सिर्फ एंड में पता चलेगा कि कौन है तो आप फिर दोबारा देखने का मजा ना आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट कोई सस्पेंस है ही नहीं, शुरू में ही सब खुल जाता है।
यू नो, लेकिन दूसरी चीजें चीजें बड़ी होती कैसे? इंटरेस्ट, हाँ होती कैसे हैं और कैसे उसको एक हर सीन में कुछ नया डेवलपमेंट और नया खुलासा हो रहा है, आई थिंक दैट्स द वर्ड फॉर इट। आई एम श्योर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है फिल्म को लेकर। हम उम्मीद करेंगे कि हम सब, ऑब्वियसली हम तो देखते ही हैं, पर लोग जो है, आप तीनों के फैन क्लब जो है वो अलग अलग है, सभी आकर देखें।